तो गाइस एक मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है बोरिंग द एक्स। लेंथ 1.5 घंटा के आसपास है और इसकी हिंदी डबिंग काफी बढ़िया की गई है और आप इसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसमें एक आदमी को दिखाया गया है जिसकी गर्लफ्रेंड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है एंड कुछ समय बाद वह जिंदा होकर वापस आ जाती है। उसका बाद क्या होता है यही जानने के लिए आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस फिल्म फन टू वॉच है। जी हाँ, फिल्म फन टू वॉच है, देखने में मजा आता है और जिस तरह से फिल्म को एग्जीक्यूट किया गया है वो भी अच्छा लगता है। एकदम अपना हंसी मजाक वाला भी इसमें सीन सब देखने को मिलेगा जो कि ज्यादा नहीं है पर जितना भी है अच्छा है। पर यदि आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको अपना एक्सपेक्टेशन को कम करना होगा। ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देखेंगे तो आपको थोड़ा डिसअपॉइंट होगा। इसे कम एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देखिएगा, ठीक ठाक टाइम पास हो जाएगा। परफॉर्मेंस की बात को तो जी हाँ, सभी ने अच्छी एक्टिंग की है। खासकर जो जिंदा होकर वापस आ जाती है उसने और अच्छा एक्टिंग की है। जब देखेंगे तो आपको मजा आएगा उनका एक्टिंग देखने में। तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो जी हाँ, इसका प्रोडक्शन क्वालिटी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है कि ये फन टू वॉच मूवी है। कम एक्सपेक्टेशन के साथ इस मूवी को देख सकते हैं, ठीक ठाक टाइम पास हो जाएगा और आप फैमिली के साथ मत देखिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।